हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी कोर्स। माय नेम इज कौस्तिक बनर्जी और आज हम बनाने जा रहे हैं स्टोन पेपर सीजर गेम, जो हमने बचपन में ज़रूर खेला है। मैंने तो बहुत खेला, मैं आप भी खेलता हूँ, तो आई थिंक आपको एक नॉस्टैल्जिक फील हो रहा होगा कि हम बचपन में खेलते थे, वही आज हम बनाने जा रहे हैं इन जावा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग भी है इसके साथ साथ। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल लॉजिक है और इंटरेस्टिंग भी है, तो चलिए कोशिश करते हैं ऐसा कुछ बनाने। दैट इज स्टोन पेपर सीजर गेम। अब मैंने यहाँ पे यूटिल पैकेज को, यहाँ पे यूटिल पैकेज के जितने भी क्लासेस हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको इम्पोर्ट किया है क्योंकि मुझे चाहिए। और क्लास मैंने बनाया है स्टोन पेपर सीजर गेम, मेन फंक्शन लिखा है, मेन फंक्शन के अंदर ही हमें लिखना है हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, पहले बना लूँ रैंडम। अब ये हमें क्यों चाहिए, ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि क्योंकि जब भी आप खेलते हो तो जो ओपोनेंट है वो क्या स्टोन फेंकेगा या सीजर या पेपर आपको पता नहीं है। ठीक है, आपका आपको पता है, आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन सामने वाले का आपको नहीं पता है। तो जब आप कंप्यूटर के साथ खेल रहे हो तो कंप्यूटर क्या मूव करेगा आपको नहीं पता होना चाहिए, दैट विल बी रैंडम। ठीक है, तो वो रैंडम करने के लिए ही इस रैंडम क्लास को मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो मैथ डॉट रैंडम का भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि कोई भी एक रैंडम वैल्यू आएगा। ताकि अब मैं दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे बनाऊंगा, दैट विल बी गेम, नाम देता हूँ उसको इक्वल्स टू। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर मैं दूंगा स्टोन, हमें स्टोन चाहिए, उसके बाद चाहिए हमें पेपर, स्टोन पेपर और सीजर चाहिए। ठीक है, सीजर के लिए भी लिख लेते हैं, सीजर हो गया। तो हमें चाहिए था स्टोन पेपर सीजर, जो हमें मिल चुका है, जिसको मैंने एक एरे के अंदर स्टोर कर दिया है। एरे का नाम है स्ट्रिंग गेम। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का एरे है। अब क्या करना है, अब ये जो प्रोग्राम रन करेगा, रन होगा, कब तक रन होगा, जब तक कि मैं नहीं चाहूँगा ये प्रोग्राम ख़त्म हो, यानी कि यूज़र नहीं चाहेगा तब, यानी कि हमें इसको पहले शुरू करना होगा। वाइल ट्रू, यानी कि ये लूप कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक आप उसको खुद से ख़त्म नहीं करते, यानी खुद से उसको ब्रेक स्टेटमेंट कहीं पे नहीं दोगे, तब तक ये जो लूप है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इस लूप के अंदर क्या करना है, यानी कि ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है, हमें क्या करना है, हमें करना है स्ट्रिंग। अब कंप्यूटर का एक मूव होना चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड कंप्यूटर्स मूव। और कंप्यूटर मूव क्या होगा, कंप्यूटर का मूव, कंप्यूटर का मूव यानी वो जो कुछ भी फेंकेगा वो क्या होगा, स्टोन पेपर सीजर के अंदर ही कुछ होगा, कुछ भी रिटर्न करेगा, दैट विल बी फ्रॉम स्टोन पेपर सीजर ओनली, इसके बाहर वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें रैंडम ऑब्जेक्ट को कॉल करना है और डॉट नेक्स्ट इंट कर देना है। ये बिल्कुल हमारे स्कैनर जैसे हम इनपुट लेते हैं ना, नेक्स्ट इंट, उसी की तरह ही है। ठीक है, यानी कि हमें एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, हमें डबल में नहीं चाहिए, हमें इंटीजर में एक वैल्यू चाहिए। हमारा बाउंड क्या होगा, यानी कि हमें किस में चाहिए, 0 to 3 तक हमें वो लिखना है। ठीक है, 3 within 3, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए, दैट विल बी एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होने वाला है ऑब्वियसली। तो 0 to 3, अब 3 वो इंक्लूसिव नहीं है, तो 0 to 2 से कोई भी एक इंटीजर रैंडमली कंप्यूटर मूव के अंदर स्टोर हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे इंटीजर को इस एरे के अंदर पास कर दिया है, यानी कि 0 से 2 तक कोई भी एक इंटीजर रैंडमली कंप्यूटर चूज करेगा और वो इस गेम का जो ये जो एरे है, इस एरे का इंडेक्स बन जाएगा। उस इंडेक्स पर जो भी स्टोर होगा वो बन जाएगा कंप्यूटर का मूव, वो बिल्कुल रैंडमली डिसाइड होगा, किसी को नहीं पता कैसे हो। ठीक है, कंप्यूटर का मूव कुछ भी बन सकता है, बट जो भी बनेगा वो इन तीनों में से ही कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा नहीं पता। अब चाहिए हमें प्लेयर का मूव, दैट विल बी प्लेयर मूव इज इक्वल्स टू। अब ये मैंने खाली छोड़ा है स्ट्रिंग, क्योंकि हमें नहीं पता प्लेयर मूव क्या होने वाला। अब एक और लूप रन करते हैं, इसके अंदर इसको ट्रू करते हैं वाइल लूप को और इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, अब ये है पूरा का पूरा गेम का कंट्रोल, मैं अभी दिखाऊंगा तो आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और हमें चाहिए एंटर योर मूव,
एंटर योर मूव, तो यहाँ पे हमें चाहिए प्लेयर का मूव। अब प्लेयर क्या मूव एंटर करेगा वो तो प्लेयर को ही पता है, तो वो हमें एंटर करना पड़ेगा, हमें उससे इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, एसी डॉट नेक्स्ट लाइन करते हैं, लाइन करना पड़ेगा। हाँ, प्लेयर मूव। ठीक है, तो हमें क्या मिल चुका है, हमें जैसे ही ये आप प्रोग्राम को रन करते हो, हमें ये स्ट्रिंग तो ऑलरेडी डिक्लेयर है, जैसे ही ये वाइल लूप रन होगा कंप्यूटर का मूव ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होगा, उसके बाद प्लेयर का मूव यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया। अब चेक करना है कि आप जीते हो या हारे हो, क्या किया है। ठीक है, तो वो लॉजिक सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, दैट इट विल बी फ्रॉम इफ एल्स से होगा। इफ प्लेयर मूव डॉट इक्वल्स इक्वल्स इग्नोर केस, स्टोन होने वाला है, अगर स्टोन है प्लेयर मूव, अगर स्टोन है प्लेयर मूव अगर स्टोन है और प्लेयर मूव डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, अगर पेपर है और यानी कि हम देख रहे हैं वैलिड है कि नहीं, मतलब कुछ भी आपने एंटर कर दिया तो वो तो नहीं हो सकता ना, तो आपको कुछ भी स्टोन पेपर सीजर में से ही कुछ एंटर करना है प्लेयर को। ठीक है, तो दोबारा से करते हैं, प्लेयर मूव डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, दैट विल बी आवर सीजर। ठीक है, स्टोन पेपर सीजर, अगर इन सब में से कोई कुछ प्लेयर एंटर करता है और इन सब में से कुछ एंटर किया जाता है प्लेयर के द्वारा, हमें क्या करना है, हमें लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, दैट विल बी कंप्यूटर का जो मूव कंप्यूटर ने खेला है, कंप्यूटर का जो भी मूव है, कंप्यूटर मूव इज कंप्यूटर का मूव हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, प्लस कंप्यूटर मूव हो गया। तो यह है कंप्यूटर का मूव। अब इसके अंदर क्या करना है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमें पता चलता है कि जो प्लेयर है उसने कोई वैलिड मूव एंटर किया है, तो हम चेक कर लेंगे वो जीता है या हारा है या इट्स अ टाई क्या है, ये हम पता लगाएंगे। ठीक है, प्लेयर मूव डॉट, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत यूज होने वाली है, प्लेयर मूव डॉट इक्वल्स कंप्यूटर मूव, मतलब अगर दोनों का जो मूव है कंप्यूटर मूव डॉट इक्वल्स इग्नोर केस कंप्यूटर मूव, अगर दोनों का जो मूव है वो सेम है, अगर वो सेम है तो डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, हाँ इट विल बी इट्स अ टाई, इट्स अ टाई। यहाँ पे थोड़ा इसको अच्छा इफेक्ट देने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे हमें ब्रेक कर जाना है, हमें ब्रेक कर जाना है अभी। अच्छा सॉरी, ऑलरेडी है यहाँ, ये है उसका, ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट। अब है हमारा दूसरा वाला पार्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट ये इनकाउंटर होगा, ये इस वाले वाइल लूप से बाहर निकलेगा, गेम से बाहर नहीं निकलेगा। तो हमें क्यों नहीं किया ये, यही मैंने इसलिए नहीं किया, हो सकता है आप चाहो तो आप दोबारा खेलना चाहो, इसलिए अगर प्लेयर जो है वो अगर दोबारा खेलना चाहता है, इसीलिए ये दो वाइल लूप है, ये वाइल लूप है इसको कंटिन्यू खेलने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब जैसे ही मतलब वो एक मूव एंटर करेगा और फिर वो चेक होगा वो जीता है या हारा है, जैसे ही अगर वो जीत गया या हार गया या कुछ भी होता है, उसके बाद अगर उसको दोबारा खेलना है उसके लिए है ये बाहर वाला वाइल लूप। मैं अभी धीरे धीरे करके आपको बताता हूँ, ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हमने ये चेक किया कि हमने दो चीज़ें चेक करी, पहले हमने ये चेक किया कि क्या जो प्लेयर का मूव है वो वैलिड भी है या नहीं है। अगर वैलिड है तो हमने कंप्यूटर के मूव को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, और बोल दिया है इट्स अ टाई। सॉरी, हमने वहाँ पे अगर प्लेयर का मूव जो है वो वैलिड है तो हमने कंप्यूटर के मूव को डिस्प्ले कर दिया है और चेक कर लिया है कि कंप्यूटर का मूव और प्लेयर का मूव क्या सेम है, अगर सेम है तो इट्स अ टाई और वो वहाँ से ब्रेक कर जाएगा, अगर ऐसा नहीं है कुछ और भी हो सकता है ना, तो चेक करते हैं, तो हम
चेक करते हैं। एल्सिफ प्लेयर मूव, एल्सिफ प्लेयर मूव डॉट इक्वल्स इग्नोर केस टोन टोन एंड। अब ये आपको देख देख करके चेक करना पड़ेगा कि अगर कंप्यूटर मूव डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, अब पहले स्टोन के साथ हम क्या डालेंगे, मान लीजिए सीजर हम डाल रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, अभी आपको भी पता है कि हमें क्या करना है, स्टोन डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के साथ हमें डालना है यू थिंक टू लूज, ठीक है, आपको डालना है यू लूज। आप इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो क्योंकि ये आपको पता चल रहा होगा लॉजिक क्या है, ठीक है। ब्रेक कर देना है यहाँ से, मतलब आपका मूव है स्टोन और जो कंप्यूटर सॉरी आपका मूव है स्टोन और जो कंप्यूटर का मूव है वो है पेपर। और यहाँ पे अच्छा सीधा कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, पहले पेपर लिखते हैं, पेपर है मान लीजिए, अगर पेपर है और ये स्टोन है तो कंप्यूटर जीतता है, तो कंप्यूटर जीतता है ना। कंप्यूटर का पेपर है, कैसे खेलते हैं मैं भूल भी, आपका अगर स्टोन है कंप्यूटर का अगर पेपर है तो पेपर जीतेगा यानी कि कंप्यूटर जीतेगा, तो यू लूज, तो मेरे साथ ही होगा, हाँ यू लूज आई एम करेक्ट। ऐसे ही हर एक के लिए आपको दो और करने होंगे, यानी कि तीन के लिए दो, यानी कि छः ऐसे कंडीशंस होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है, बड़ा करता हूँ इसको फिर से, हम इसको बस कॉपी कर लेंगे, नीचे आएंगे इसको पेस्ट करेंगे। else if कंप्यूटर मूव अगर स्टोन ही रहा और मतलब मेरा मूव अगर स्टोन ही है और मेरा मूव यहाँ से सीजर हो जाता है, कंप्यूटर का मूव जो है अगर सीजर होता है, ऐसा कुछ अगर होता है तो सीजर तो पेपर स्टोन तो इसको तो आई विन, इस वाले केस पे आई विल विन। और कुछ हो सकता है स्टोन के साथ पेपर हो गया, स्टोन के साथ सीजर हो गया, स्टोन के साथ स्टोन के लिए ये वाला है द टाई, ठीक है, बाकी दो बच जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से छह कंडीशंस आपको टोटल लिखना पड़ेगा इस एल्सिफ के साथ। एक और लिखता हूँ, दैट विल बी, अब मेरा मूव स्टोन के साथ दो कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे चाहिए मान लीजिए मैं पेपर लेता हूँ, ठीक है, पेपर लेता हूँ, पेपर के साथ एक बार होगा सीजर, तो अगर पेपर के साथ सीजर है तो मेरा पेपर है तो कंप्यूटर जीत जाएगा, तो आई विल लूज। ऐसे आपको लॉजिक लगाना है, बहुत आसान है, आपने गेम अगर खेला है तो बहुत ही आसान। फिर भी इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर नीचे आके पेस्ट कर देंगे, फिर पेपर ही पेपर रह जाएगा और ये सीजर की जगह स्टोन बन जाएगा। अगर ये स्टोन है और ये पेपर है तो मैं जीत जाऊंगा, आई विल विन, इस वाले केस पे आई विल विन। फिर से तो कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देंगे, मेरा दो बार स्टोन के साथ हो चुका है, दो बार पेपर के साथ हो चुका है, हाँ दो बार स्टोन के साथ, दो बार पेपर, अब चाहिए मेरा सीजर। अब मान लीजिए मैंने दो बार सीजर फेंका है तो क्या होगा, मेरा मूव अगर सीजर है तो उसका स्टोन हो सकता है ना, मेरा मूव अगर सीजर है उसका पेपर भी हो सकता है, तो पेपर हो सकता है, तो अगर मेरा सीजर है उसका कंप्यूटर का पेपर है तो मैं जीत जाऊंगा, तो यू विन। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, मेरा सीजर है और कंप्यूटर का पेपर नहीं है, इस बार कंप्यूटर का स्टोन है, मान लीजिए स्टोन है, आई लॉस्ट। अब ये हो गया सारे हमारे कंडीशंस, अब एक एल्स पार्ट हम करते हैं, इसमें करेंगे कि अगर इन सब में से कुछ भी नहीं होता है, यानी कि ये मैच नहीं हुआ है, कुछ मैच नहीं हुआ है आपका, समझ रहे हो ना, कुछ भी अगर आपका मैच नहीं होता है या फिर यहाँ इफ करके कुछ भी मैच नहीं होता, तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी
यहाँ पे एल्स एक पार्ट हमें देना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ लिख देते हैं इनवैलिड वैलिड मूव। आई होप ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि इनवैलिड मूव ऑलरेडी वैलिड मूव के अंदर हम ये सारी कंडीशंस लिख रहे हैं, तो इनवैलिड मूव इसके अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें एक एल्स पार्ट देना ही था इसलिए मैंने दे दिया। ठीक है, दे दिया बस। आप चाहो तो किसी और तरीके से भी लिख सकते हो, मैंने पहले भी कहा है एक प्रोग्राम को कई तरीक़ों से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये है हमारा ये वाला ब्रैकेट का ब्रैकेट, ये किसका ब्रैकेट, ये है वाइल का ब्रैकेट, वाइल ट्रू ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, हमने एक ब्रैकेट शुरू किया था दैट वाज दिस इफ ब्रैकेट, तो यानी कि यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है, उसके बाद ये इफ वाला ब्रैकेट है बिल्कुल, उसके बाद एक वाइल वाला ब्रैकेट है जो बाहर का है, उसके बाहर का एक वाइल लूप ब्रैकेट है, यानी कि ये वाइल लूप हमारे अंदर वाला वाइल लूप है। इसके बाद हमें लिखना है, स्पेस बहुत ज़्यादा है तो कम कर देते हैं, यहाँ हमें करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी कि यहाँ तक ये है हमारा इस एल्स का, ये है हमारा इफ का, इसके बाद हमारा अंदर वाला जो वाइल्ड लूप है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या वो प्लेयर दोबारा ये गेम खेलना चाहता है, डू यू वांट टू प्ले अगेन, वांट टू प्ले अगेन, ब्रैकेट के अंदर यस और नो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे यहीं पे इसका फैसला कर देते हैं, इफ नॉट एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, एस सी नॉट एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन डॉट इक्वल्स इग्नोर केस यस, मतलब अगर आप नो एंटर करते हो तो क्या होगा, तो सिस्टम डॉट बस ये यहीं से एबनॉर्मली एग्जिट हो जाए, हो गया एग्जिट। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं, रन करते हैं, एंटर योर मूव, क्या करना है आपको, सीजर सीजर डालते हैं, कंप्यूटर मूव स्टोन यू लूज, यू वांट टू प्ले अगेन यस करते हैं, पहले स्टोन डाला अब पेपर डाल के देखते हैं, कंप्यूटर पेपर सटाई यू वांट टू प्ले अगेन यस, स्टोन पेपर स्टोन डालना है मुझे, कंप्यूटर का मूव भी स्टोन ही है सटाई। ठीक है, देख रहे हो, नो कर देता हूँ, ये एग्जिट हो जाएगा। तो ये था एक डेमो कि हम एक गेम बना सकते हैं, एक बहुत ही सिंपल गेम बना सकते हैं जो हम बचपन में खेलते थे, दैट वाज आवर स्टोन पेपर सीजर, बहुत ही नॉस्टैल्जिक एक गेम है जिसको आप कंप्यूटर में जावा में बना सकते हो और दोस्तों के साथ खेल सकते हो, तो ये इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है और आप ट्राई भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लॉजिक नहीं है, बहुत ही आसान है, हमने खेला है तो हमें पता है। तो ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि अच्छा लगा, क्योंकि उससे बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो अगली बार मिलते हैं एक और नए गेम के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।